मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। सबसे पहले आपको एक आवश्यक सूचना दे दें, अम्बरनाथ से 14 दिसंबर 2019 से इशाक खान लापता है। इनकी उम्र 75 वर्ष है, चेहरा सांवला और दाढ़ी और सर के बाल सफ़ेद है। किसी को भी अगर इनके बारे में जानकारी मिले तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों से संपर्क करें या फिर नज़दीकी पुलिस स्टेशन से संपर्क करें। इन्हें ढूंढ कर लाने वाले को 10,000 रुपये का इनाम दिया जाए। खबर दिवा से है, जहाँ पति ने पत्नी को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया है। आरोपी पति को मुमरा पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। दिवा आगासन श्रेयस अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल पर रहने वाले नरेश नारायण चिल्कामारी 33 वर्षीय ने इसी परिसर में रहने वाली अनुष्का 35 वर्षीय से विवाह किया था। बताया जा रहा है कि अनुष्का पहले से शादीशुदा थी, उसने दूसरी शादी नरेश चिल्कामारी से की थी। पहले पति से अनुष्का के दो बच्चे भी थे, बेटी की शादी भी हो चुकी है, मगर बेटी के पति में किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। इस वजह से अनुष्का की बेटी अनुष्का के साथ ही उसके घर पे रहती थी, जिसकी वजह से अनुष्का के बेटी का पति अनुष्का के घर आकर तोड़फोड़ भी किया। अनुष्का अपने पति नरेश से अपनी बेटी और दामाद के बीच विवाद को सुलझाने की बात की, मगर नरेश ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से अनुष्का और नरेश में विवाद हो गया। सोमवार की रात नरेश शराब पीकर घर आया और अनुष्का के साथ बेरहमी से मारपीट की। अनुष्का की इतनी पिटाई की कि उसके सीने की हड्डियां तक टूट गईं और तकिए से मुंह दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया और शव को घर में छिपा कर रखा, मगर अनुष्का की मौत की खबर फैल गई। मौके पर पहुंची मुमरा पुलिस ने पहले इसे सामान्य मौत माना और शव को कलवा शिवाजी अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, मगर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो अनुष्का की सीने की हड्डियां टूटी हुई। अनुष्का के साथ मारपीट किया गया था और उसका मुंह दबाकर उसकी हत्या की गई थी। जब मुमरा पुलिस ने कड़ाई से नरेश से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। मुमरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मधुकर कर ने क्या जानकारी दी है। दिवा में 23/12/2019 को सवेरे 7:30 बजे पहले मयत ज्योति अनुष्का नरेश चिल्कामारी ये रात में उसके पति के साथ सोई थी, तो सवेरे मॉर्निंग में वो मयत पाई गई। उसके बाद में उसकी डेड बॉडी उसके हस्बैंड ने और उसके भाई ने कड़वा सिविल हॉस्पिटल में 4:30 बजे वहाँ पहुँचा दिया। वहाँ पहुँचने के बाद में उसके ऊपर अंग के ऊपर कोई सुपरफिशियल इंजरी नहीं थी, लेकिन डाउट आ रहा था कि इसको इतना देर तक क्यों रखा करके। उसके बाद में यहाँ ईडी रजिस्टर कर दिया। उसके बाद पोस्टमार्टम होने के बाद में उसमें पाया गया कि उसके अंदर में वाइटल ऑर्गन्स को इंजरी है, बाद में उसकी रिब्स फ्रैक्चर है, एब्डोमेंस के ऊपर उसको इंजरी है। तो उसके ऊपर से हमने इंट्रोगेट किया तो एक्यूज जो है उसका हस्बैंड, उसने उसको रात को नशे में उसको मार डाला था, लेकिन उसने बताया नहीं कि मैंने इसका मर्डर किया करके। इंट्रोगेशन के बाद और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद में मालूम पड़ा कि इन्होंने मर्डर किया है, तो ये मर्डर का गुना कल दाखिल किया हुआ है और आज का आरोपी को कोर्ट के सामने पेश कर रहे हैं। सर, किस तरह से इसने जो है मर्डर किया था, उसका क्या हथियार किया था या हथियार कुछ नहीं, उसको मुंह और ये नाक है उसको दबा के उसने मर्डर किया हुआ है। उसके आंग पे उसने जो बोला है कि आंग के ऊपर नाचा है वो। इस पूरे मामले में मृतक अनुष्का के भाई रुपेश प्रकाश तलकर ने शिकायत की है, जिसकी आधार पर आरोपी नरेश पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर उसे कोर्ट में पेश किया गया है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।